हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो मैं बहुत सारा राइड कर चुका है, गैंगटॉक, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, आपको सिक्किम। मेरा बाइक का हालत ए मेरा बाइक ये बाइक लेके मैं बहुत जगह घूम चुका है, क्योंकि इस बार भी राइड मेरा जबरदस्त था, बहुत अच्छा लगा राइड। और इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरा साथ था मेरा भाई। कैसे लगा था, कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा था राइड। और भाई को पीछे और एक बैग था, बहुत बड़ा बैग, तो बाइक में बहुत 60 किलो का एक बैग, बहुत ही बड़ा बैग था, बहुत ही, मतलब ऐसे बोल सकते हो 3-3 प्लियोन। हाँ, 3-3 प्लियोन का। और इतना राइड करने के बाद में मेरा बाइक का कंडीशन बहुत ही खराब हो गया भाई, माई बाइक इज वेरी प्रॉब्लम नाउ। तो मुझे अभी दिखाना है मिस्त्री को, मेरा भाई को, उसका शॉप में अभी जा रहा हूँ। और बाइक सच में रियली जितना जो पावर है मेरा KTM में, आजकल का KTM में इतना पावर है नहीं। और जैसे कि मैं ड्राइव किया है, मुझे पता है, मैं बात नहीं, तू इतना स्ट्रेटली राइड करता है, इतना आराम से राइड करता है, कितना प्यार से, मैं मतलब मेरे को तो सच बताऊँ, मेरे को आराम, मैं सो भी जाऊँ ना इसके पीछे, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, आज जा रहा हूँ मेरा बाइक के पास, क्योंकि वो सर्विस सेंटर उसका अलग से, तो उसको जाके मैं सर्विस कराऊंगा, जो कि सर्विस नहीं कराऊंगा तो चलाने की हालत बिल्कुल नहीं है, और मेरा भी मज़ा नहीं आ रहा है चलाने में। भाई के पास राजस्थान में रियली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, क्योंकि कोलकाता से देखे कंपेयर करें, कोलकाता बिहार से, तो राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा ठंड है। क्योंकि मैं कल रात को जब भी राजस्थान में एंट्री किया था, तब से बहुत ठंड लग गया। देखो, फूल आता गुलाब भी पहन लिया, क्योंकि फूल आता गुलाब बिना काम नहीं चल रहा है। तो और अभी तक तो शाम नहीं हुआ, और शाम होने से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, और बाइक ड्राइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी करता हूँ, मज़ा आता है, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, वेदर कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लीन है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, रोड भी ज़बरदस्त रोड है, जैसे भी चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज़ द जयपुर टू आगरा हाईवे, जो ओवर ब्रिज दिख रहा है आपको, और मैं एंट्री करने वाला हूँ दौसा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। और अगर मेरा वेस्ट बंगाल से कंपेयर करें तो इधर इतना क्राउड बिल्कुल नहीं है, और बहुत ही साफ सफाई है। और दूसरी बात, जितना सा क्राउड वेस्ट बंगाल में होता है, उतना सा क्राउड बिल्कुल नहीं है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऐसी नहीं है, ये बहुत बड़ा सिटी है, बहुत हाई फाई सिटी है, बिल्कुल नहीं, ये छोटा एक सिटी है, छोटा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट टाउन है, बाकी अच्छा है, ठीक ठाक है। पंद्रह किलोमीटर आने के बाद में मेरा गियर फिर खुल गया, आप देख सकते हैं, इधर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ये वाला गियर नीचे गिर गया। तो अभी मुझे नहीं पता था यार संडे है, क्योंकि संडे को भाई दुकान बंद रखता है, ये है उसका दुकान है। और दूसरी बात, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं वो आने के लिए बोल रहा है, देखता हूँ कितना देर लगाएगा।
मतलब क्या बताओ भाई लोग, मतलब एक चीज़ तो मैं नोटिस किया है बहुत बार, मैं प्रॉब्लम को पीछे छुड़ाना चाहता हूँ, प्रॉब्लम मेरा पीछे पीछे भागता है ना भाई, प्रॉब्लम पीछे पीछे भागता है। देखो बाइक का कंडीशन देखो, आज मुझे नहीं पता था क्या संडे है, आज मैं आ गया सर्विस कराने में, अभी बाइक का गियर भी खुल गया, मैंने कैसे जाऊँगा मुझे नहीं पता, और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार। पता नहीं एक लड़का को बुलाया, लड़का 10 मिनट में आएगा बता रहा है, 10 मिनट तो पता नहीं कितना देर से होल्ड किया है, मेरे को रोना आ रहा है, बहुत टाइम होल्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कब तक आएगा।